सो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं यार आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले तो यार आप सबको मेरी तरफ से कल वाले मैच के लिए भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। कल वाला दोस्तों जो अपना मैच था न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका वाला, वो भी आपको बताया कि अपना बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने कल वाले मैच में भी कमाया था, है ना। ओल्ड फॉर्मेट टीम से तो यार वन साइडेड क्लीन स्वीप हमने की थी, कोई अपने आस पास भी नहीं आ पाया था। मेरी पर्सनल विनिंग के स्क्रीनशॉट तो दोस्तों मैंने कल रात को ही अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिए थे, है ना। पर्सनली भी दोस्तों बहुत अच्छी विनिंग की थी, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया था। एंड आई एम श्योर कि यार मेरी एनालिसिस और प्रेडिक्शन का यूज करते हुए आपने भी कल वाले मैच में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया ही है, बहुत अच्छा धमाका किया ही है। मैंने देखे हैं दोस्तों, आपने जो विनिंग स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे थे ना मैच खत्म होने के बाद, वो मैंने देखे और देख के बहुत अच्छा लगा कि आपने भी यार कल वाले मैच में इतनी अच्छी विनिंग की है। दिल को अच्छा लगता है यार जब जो है मेरी एनालिसिस की वजह से आप लोगों का इतना अच्छा प्रॉफिट होता है ना। एंड भरोसा रखो दोस्तों, आगे भी हम इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेंगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हम रेगुलर बेसिस पे आगे भी कमाते रहेंगे, है ना। जैसा देखो आपको तो पता ही है कि मेरी तो यही कोशिश रहती है कि आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट एनालिसिस में लाता रहूं, बेस्ट से बेस्ट प्रेडिक्शन लाता रहूं, जिसका आप फायदा उठाते रहो और बहुत अच्छी विनिंग करते रहो, है ना। और आगे भी हम करते रहेंगे, है ना। बस आज की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों देखो यार, आज भी एक काफी बड़ा मैच है, काफी इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये वाला मैच खेला जाएगा, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस मैच में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना है, एक अच्छी टीम बनानी है, तो अच्छी टीम कब बनेगी? तुक्के से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। मैं आपको यही बोलते आया हूं इस वर्ल्ड कप के दौरान कि यार हाईली कॉम्पिटिटिव मैच है, इन मैचों में तुक्के में टीम आप नहीं बना सकते। जिस दिन आपने तुक्के में टीम बना ली, उस दिन आप अपना लॉस करवा बैठोगे, ठीक है। अगर आपको दोस्तों इस मैच में भी अच्छा प्रॉफिट कमाना है तो देखो यार, आपको कुछ भी नया काम नहीं करना, बस हमेशा की तरह अपने इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं इस मैच की पूरी कुंडली खोल के आपके सामने रखने वाला हूं। बहुत अच्छी एनालिसिस हम करेंगे, ठीक है। फिर उसी एनालिसिस का यूज करके दोस्तों इस मैच में टीम बनाना, एक बार वापस आप बहुत अच्छी टीम बना लोगे, बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे, ठीक है। तो वीडियो में दोस्तों आपको आखिर तक बने रहना है। बाकी यार वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले देखो यार, आपको एक छोटा सा काम अपने छोटे भाई के लिए जरूर करना है। आज तो इंडिया का मैच पर ही यार, है ना। तो जिसने भी अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वो नीचे देखो यार वो लाइक का बटन आ रहा है, फटाफट से दबा देना। इस वीडियो पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए लाइक टारगेट है 5000 लाइक का। कल वाली वीडियो पर भी 5000 लाइक का था, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। उम्मीद करता हूँ आज तो कर ही दोगे, अपने छोटे भाई के लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, एक फ्री का लाइक नहीं दिया जा रहा आपसे, है ना। तो नीचे लाइक का बटन आ रहा है, फटाफट से दबा देना। और दूसरी बात, आप में से जिस भी भाई ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाई यार यहाँ पर भी पीछे मत रहो। यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमारे साथ 6 लाख से भी ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं और रेगुलरली हमारी एनालिसिस का, प्रेडिक्शन का फायदा उठा रहे हैं, बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हो तो नीचे देखो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है, एकदम फ्री है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस वीडियो की, तो यार इस वीडियो में तो आपको इस मैच से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, बहुत अच्छी एनालिसिस हम करने वाले हैं, ठीक है। फिर दोस्तों आगे इसी वीडियो में हम इसी एनालिसिस का यूज करते हुए इस मैच की एक टीम भी बनाएंगे, ठीक है, आप और मैं मिलकर बनाएंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान रखो, वो जो भी टीम हम बनाएंगे ना, वो अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, उसमें चेंजेस हो सकते हैं, उसमें अपडेट हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता है अभी तक इस मैच का टॉस नहीं हुआ है, और जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई इन्फॉर्मेशन आती रहती है। टॉस होने के बाद दोस्तों अपने पास फाइनल प्लेइंग 11 आती है, फाइनल पिच रिपोर्ट आती है, ठीक है। उन सभी इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी टीम में चेंजेस हो सकते हैं। तो यार अपनी टीम में जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो करके अपनी जो भी फाइनल टीम होगी ना इस मैच की, वो हमेशा की तरह टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। उस टीम से मैं भी खेलूंगा, उस टीम से अपनी पूरी फैंटेसी सपोर्ट की फैमिली भी खेलेगी। तो अगर आपने यार अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, देखो हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको अपनी साइड स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, फिलहाल में दोस्तों 1,95,000 1,95,000 से भी ज्यादा लोग ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो देखो यार, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ज्वाइनिंग एकदम फ्री है और बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको जुड़ी जाना है, ठीक है। उस नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो 1-2 सेकंड के अंदर एकदम फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे। तो जुड़ जाना मेरे भाई, फाइनल टीम आपको वही मिलेगी, फाइनल अपडेट आपको वही मिलेगी, एडिशनल गिव अवेज कोई होंगे तो वो आपको वही मिलेंगे, ठीक है। लाखों लोग जुड़ चुके हैं, फ्री में फायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाओ। नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक है, क्लिक करो और जुड़ जाओ। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इस मैच के बारे में, तो यार ये वाला जो मैच है आज दोपहर को 2 बजे स्टार्ट होगा, और ये वाला जो मैच है दोस्तों ये वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जो कि मुंबई के अंदर है। अब यार वानखेड़े स्टेडियम में इस सीजन में जो 2 मैच खेले गए हैं, है ना, उन दोनों में अपने को बताया कि साउथ अफ्रीका खेली थी और 300-350 प्लस का स्कोर टांका था, हाई स्कोरिंग वेन्यू है वानखेड़े, ये बात सबको पता है, ठीक है। मौसम की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो देखो मौसम की वजह से कोई भी इंटरप्शन इस वाले मैच में नहीं आएगा। अब बात करते हैं वानखेड़े स्टेडियम की, तो ये देखो यार एकदम फ्लैट पिच है, बैटिंग फ्रेंडली माहौल है, बहुत अच्छा खासा स्कोर अपने को देखने को मिलेगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो 380 के समथिंग का स्कोर अपने को देखने को मिल सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, बशर्ते इंडिया पहले बैटिंग करती है। क्योंकि अगर मान लो श्रीलंका पहले बैटिंग करती है तो इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, उनको जल्दी भी समेट सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ बॉलिंग डिपार्टमेंट की, तो यार देखो बॉलिंग में स्पिनर्स को यहाँ पर ना के बराबर सपोर्ट है, फास्ट बॉलर जरूर थोड़ा सा
मान लो कि सपोर्ट यहाँ से निकाल लें, स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत स्विंग मिल जाए, अच्छा बाउंस मिल जाए, है ना, तो उस वजह से फास्ट बॉलर जरूर थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, बाकी स्पिनर को बहुत कम सपोर्ट रहेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर पिच रिपोर्ट के बारे में। वैसे जनरल इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको बताई दी है, अब यहाँ पर सुनो ठीक है। सबसे पहले दोस्तों द पिच हियर इट वांखड़े इज बैटिंग फ्रेंडली, ये बात तो मैंने आपको बताई दी है कि बैटिंग फ्रेंडली पिच रहेगा। पेसर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा सपोर्ट यहाँ पर निकाल सकते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्विंग वगैरह मिल सकता है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर बैट्समैन ही जो है डोमिनेट करने वाले हैं इस मैच में। अच्छा खासा हाई स्कोरिंग मैच अपने को देखने को मिलेगा ठीक है। एवरेज स्कोर की मैं दोस्तों अगर बात करूँ तो वो डिपेंड करेगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करी है, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना। अगर इंडिया पहले बैटिंग करी है तो 380 के समथिंग में मान के चल रहा हूँ, अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करी है तो हो सकता है उनको 250 से नीचे नीचे हम समेट दें, क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अभी काफ़ी अच्छे से क्लिक कर रही है ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो भी टीम टॉस जीतेगी उसको मेरे हिसाब से तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि पहले बैटिंग करो, इंडिया भी पहले बैटिंग करेगी तो अच्छा खासा स्कोर पोस्ट करने का उनको एक चांस मिलेगा ठीक है। लेकिन चूंकि मुंबई का मैदान रह गया, वहां पर ड्यू वगैरह भी आती है इवनिंग टाइम में, तो अगर कप्तान थोड़ा सा सेफ खेलना चाहे तो आई थिंक वो पहले बॉलिंग करना भी चुन सकते हैं, ये बात ध्यान रखना ठीक है। बाकी दोस्तों ये तो मैंने आपको जो बताई है ये आपको बताया, एक जनरल पिच रिपोर्ट है, एक प्री मैच पिच रिपोर्ट है ना। इस मैच की फाइनल पिच रिपोर्ट अपने पास कब आएगी वो तो यार टॉस के टाइम आएगी, और वो मैं आपके साथ कहां शेयर करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करूंगा यार, बता तो दिया था आपको है ना। तो भाई एक बार वापस बोल रहा हूँ, एक सेकंड मेरा पेन गिर गया, मैं आपको दोस्तों एक बार वापस बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना है, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों बात करते हैं देखो वेन्यू स्टेट्स के बारे में, तो वांखड़े स्टेडियम में आज तक ODI के टोटल 25 मैच खेले गए, जिनमें से दोस्तों 14 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, 11 मैच पहले बॉलिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, तो ज्यादातर मैच तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, ये तो यहाँ से हो गया ठीक है। उसके अलावा दोस्तों एवरेज स्कोर 270 का, ये 25 मैच होगा, लेकिन इस मैच का मैंने आपको बता दिया क्या सीन रहने वाला है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों साउथ अफ्रीका का है, लोएस्ट स्कोर बांग्लादेश का ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न वगैरह आपको देख लो, कोई खास इंपॉर्टेंट है नहीं। अब दोस्तों हम बात करते हैं रिसेंट परफॉर्मेंस और हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक बार के लिए आपका पूरा फोकस मेरे को चाहिए ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं इंडियन टीम की, तो इंडियन टीम इज द ओनली अनडिफीटेड टीम इन दिस टूर्नामेंट, मतलब कि इंडियन टीम एकमात्र ऐसी टीम है जिसको अभी तक कोई भी हरा नहीं पाया है वर्ल्ड कप 2023 में ठीक है। अभी तक दोस्तों जो इंडियन टीम ने 6 मैच खेले हैं, 6 के 6 मैच जीते हैं, और काफी अच्छी परफॉर्मेंस इस टाइम पे आ रही है। पॉइंट टेबल में दोस्तों नंबर 2 पर बैठे हैं, क्योंकि नंबर 1 पर बैठी है साउथ अफ्रीका कल वाले मैच के जीतने के बाद ठीक है। अगर आज इंडिया जो है ये वाला मैच जीत जाती है तो वापस नंबर 1 पर जाके बैठ जाएगी, और साथ ही साथ दोस्तों ऑफिशियली जो है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी, और डेफिनेटली ये वाला मैच इंडियन टीम जीतना ही चाहिए, हारना तो क्यों ही चाहिए ठीक है। अभी तक दोस्तों इस सीजन में जो भी मैच खेले हैं हर एक मैच इन्होंने जीता है। स्टार्टिंग के दोस्तों जो ये 5 मैच थे इनमें तो इंडियन टीम ने जीता था चेस करते टाइम, मतलब कि पहले बॉलिंग करते टाइम, लेकिन पिछले मैच में इंग्लैंड ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उन्होंने बोला कि भाई तुम ना पहले बैटिंग करो, इंडिया ने बोला ठीक है हम पहले बैटिंग करेंगे, ये ले उखाड़ ले क्या उखाड़ना है, इंडिया ने पिछला वाला मैच भी जीत लिया ठीक है। तो इंडिया इस टाइम पे काफी अच्छी फॉर्म में चल रही है, पहले बैटिंग करवा लो पहले बॉलिंग करवा लो, हर जगह से आपको डोमिनेट करते हुए दिख जाएंगे ठीक है। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की टीम की, तो यार इनका ये सीजन कोई भी अच्छा नहीं गया है। इस सीजन में इन्हें जो 6 मैच खेले उनमें से मात्र 2 मैच इन्होंने जीते हैं, 4 मैच ये हारे हैं। पिछला वाला मैच दोस्तों अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये हार गए, इस चीज से अपने को पता लगता है कि कितनी खराब फॉर्म में श्रीलंका के प्लेयर्स अभी चल रहे हैं ठीक है। उससे पहले दोस्तों इन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक अपसेट जरूर पैदा किया था, इंग्लैंड को जरूर इन्होंने हराया था, फिर नीदरलैंड को हराया था उससे पहले दोस्तों रेगुलरली ये हारे थे, ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, पाकिस्तान से भी हारे है ना। तो इनकी जो परफॉर्मेंस है वो कुछ ऐसी रही है, उससे पहले एक मैच और था इनका साउथ अफ्रीका से, वो भी हारे थे ठीक है। तो ये उनके टोटल 6 मैच हो जाते हैं। पॉइंट टेबल में दोस्तों श्रीलंका की टीम अभी 7th पोजीशन पर बैठी है, और अभी तक मतलब ऐसा ही नहीं है कि एलिमिनेट हुए, सेमीफाइनल में अभी भी जा सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला मैच हार जाते हैं तो फिर भाई कुछ ही हो जाए, ये तो नहीं पहुंच रहे सेमीफाइनल में, कुछ ऐसी बात है ठीक है। अगर मैं बात करूं दोस्तों हेड टू हेड की, तो जो पिछले 10 मैच इन दोनों टीम्स के बीच में खेले गए वनडे के, उनमें से 9 मैच इंडिया ने जीते हैं, डेफिनेटली यार इस वाले मैच में भी 95% में तो बोलूंगा कि चांसेस हैं इंडिया के यहाँ जीतने के, वो तो कोई एक आधा अपसेट हो जाए तो बात अलग है ना। लास्ट टाइम दोस्तों इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ था एशिया कप फाइनल में, आपको बताएं, जहां पर श्रीलंका को 50 रन पे ऑल आउट कर दिया था मोहम्मद सिराज ने, 6 विकेट लिए थे उस मैच में ठीक है। और ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है मोहम्मद सिराज से लेके, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, चिंता मत करो। बाकी दोस्तों हम बात करते हैं देखो अपने वीडियो के गिव अवे के बारे में, तो यार वीडियो का गिव अवे क्या है, सिंपल सा बात है, अफ्रीका के जीत सकते हो, गिव अवे के कुछ रूल फॉलो करने और हमारे सवाल का जवाब देना है ठीक है। कई लोग क्या करते हैं कि सिर्फ ये करते हैं, सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं, फिर मेरे को मैसेज करते हैं कि भाई मैं
गिव अवे जीत के आ रहे यार, ऐसा नहीं होता है ना। सवाल का जवाब भी देना होता है, गिव अवे के रूल भी फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, नीचे लाइक का बटन आ रहा है फटाफट से दबा देना। दूसरा दोस्तों, आपको हमारे चैनल का सब्सक्राइबर होना जरूरी है, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। मिनिमम एक शेयर दोस्तों आपको इस वीडियो को करना जरूरी है, अपने किसी भी दोस्त को कर सकते हो और वीडियो को तो आप पूरा देख ही रहे हो, ठीक है। गिव अवे का सवाल है दोस्तों, आपको बताना है कि इस मैच का मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा और उसकी क्या परफॉर्मेंस आएगी, ठीक है। जो भी आपको लगता है वो आप 3-4 कमेंट करके बता सकते हो, एक भी कमेंट में सही जवाब आ गया तो आप गिव अवे के विनर बन जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इंडियन टीम की, टीम न्यूज के बारे में। तो यार इंडिया की टीम की तरफ से क्या न्यूज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों थोड़ी बहुत उड़ती उड़ती खबर आई थी कि हार्दिक पांड्या जो आज वाले मैच में खेल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये वाला मैच भी मिस करेंगे और 50% चांस है कि ये साउथ अफ्रीका वाले मैच में आ जाए, लेकिन 50% चांस है कि साउथ अफ्रीका वाला भी मिस करेंगे। जो आखिरी अपना मैच होगा ना नेदरलैंड्स के अगेंस्ट, तब तक जो है हार्दिक पांड्या एकदम फिट हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो, चूंकि श्रीलंका के अगेंस्ट है मैच, जो कि श्रीलंका उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, तो इंडियन टीम अगर चाहे तो बुमराह को रेस्ट दे सकती है इस वाले मैच में, ठीक है। ऐसी उड़ती उड़ती खबर आई थी कि जो है बुमराह आज वाले मैच में रेस्ट करने वाले हैं, लेकिन यार मेरे को जो है सही नहीं लग रहा, क्योंकि बुमराह नहीं चाहेंगे यार रेस्ट करना। इतने अच्छा परफॉर्मेंस वो रेगुलरली कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि मैच में उनको रेस्ट मिले, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये वाली न्यूज सही होने वाली है, थोड़ी सी ऐसी उड़ती हवा में न्यूज थी, तो मैंने सोचा कि एक बार के लिए आपको बता देते हैं, लेकिन नहीं होने वाला मेरे को नहीं लगता, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों देखो, एक ये इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपके स्क्रीन के सामने कि वानखेड़े, सबको बताएगी मुंबई इंडियंस का होम ग्राउंड है, रोहित का होम ग्राउंड है रोहित शर्मा का, है ना। रोहित शर्मा काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी इस सीजन में कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों ओडीआई में वानखेड़े में रोहित शर्मा का जो स्कोर है वो 16 रन 20 रन और 10 रन का है। तो वानखेड़े में रोहित शर्मा ने उतनी अच्छी खास परफॉर्मेंस ओडीआई में नहीं की, है ना। लेकिन वही बात है यार, ओडीआई में जिस तरीके की परफॉर्मेंस रोहित शर्मा कर रहे हैं, ऊपर से श्रीलंका की टीम है, तो हम तो लेके ही चलेंगे, क्योंकि श्रीलंका को रोहित शर्मा ने पेल रखा है। हम सबको पता है दो बार जो है डबल सेंचुरी मारी है, 264 किसके अगेंस्ट आया था, रोहित शर्मा का। हाईएस्ट इंडिविजुअल ओडीआई स्कोर रोहित शर्मा का है, और वो कौन सी टीम के अगेंस्ट है, श्रीलंका के अगेंस्ट है, ठीक है। तो ऐसे मैच में जो है रोहित शर्मा को ड्रॉप करने का सवाल भी खड़ा नहीं होता, है ना। इनको तो कैप्टन वाइस कैप्टन और बना के चलेंगे अपन, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास श्रीलंका की टीम की तरफ से अभी तक नहीं आई है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोल रखा है कि यार जब तक देखो टॉस नहीं हो जाता तब तक अपने पास नई नई अपडेट आती रहती है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी जो मुझे लगेगा कि यार आपको जीतने में हेल्प कर सकती है, वो मैं आपके साथ अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, ठीक है। ये रही दोस्तों इंडिया की पूरी स्क्वाड जो इस वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस की गई थी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में। यार मेरे को नहीं लगता कि इन 11 खिलाड़ियों में कोई भी चेंज होने वाला है, चूंकि हार्दिक पांड्या भी अनफिट है, तो ये 11 खिलाड़ी जो पिछले मैच में खेले थे वो के वो आपको आज वाले मैच में खेलते हुए दिख जाने चाहिए, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों इन्हीं 11 प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में, तो यार यहाँ पर हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक बार के लिए अपना पूरा फोकस रखना, कुछ ट्रम्प कार्ड्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाता है देखो रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, दोनों के दोनों ओपनर हैं, इन दोनों का रिकॉर्ड आप खुद देख सकते हो, ठीक है। रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में आने से पहले अपने ओडीआई के करियर में 251 मैच खेले थे, जिनमें 10,000 प्लस इनका रन था और 48 प्लस का बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं, ठीक है। इस वर्ल्ड कप के सीजन में दोस्तों जो 6 मैच इंडिया टीम ने खेले उसमें रोहित शर्मा ने हर एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की है, बस पहले मैच में 0 पर आउट हो गए थे, उसके बाद 131, 86, 48, 46, 87, है ना। हर एक मैच में बंदा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, और ध्यान रखना ये श्रीलंका है, ये वानखेड़े है, बहुत अच्छी पारी रोहित शर्मा खेल सकते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों नंबर 2 पर आते हैं रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो आप खुद भी देख सकते हो, ओडीआई में 66 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते थे इस वर्ल्ड कप से पहले। स्टार्टिंग के दोस्तों 2 मैच नहीं खेले थे क्योंकि डेंगू हो गया था, उसके बाद दोस्तों 16, 53, 26 और 9 रनों की पारी आई है। तो शुभमन गिल की पारी दोस्तों सिर्फ एक मैच में अच्छी आई, है ना। और बात यह है ना कि यार शुभमन गिल डेंगू के बाद डेफिनेटली शरीर पर थोड़ा सा फर्क पड़ता ही है, लेकिन शुभमन गिल यार श्रीलंका के अगेंस्ट जो अच्छा होल्ड रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपनी टीम में रखेंगे अपन। बाकी हाँ, अगर आप ग्रैंड लीग की टीम से ड्रॉप करके चलना चाहो, ध्यान रखो मेरी बात को, ध्यान से सुनो, ग्रैंड लीग की टीम में आप शुभमन गिल को ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और सामने दिलशान मधुशंकर है जो कि काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों फिर विराट कोहली का अपने पास ऑप्शन आता है, इनका जो रिकॉर्ड है वो भी आपके स्क्रीन के सामने है। इस वर्ल्ड कप के सीजन में दोस्तों 2 मैच में ये भी फ्लॉप हुए हैं, लेकिन 4 मैच में जो पारियां खेली हैं भाई वो कोई नहीं भुला सकता। और विराट कोहली तो श्रीलंका के अगेंस्ट बहुत सारे शतक मार चुके हैं ओडीआई में, है ना, शायद 9 या 10 शतक है इनके ओनली श्रीलंका के अगेंस्ट ओडीआई में। तो ध्यान रखना ऐसे प्लेयर्स को ड्रॉप नहीं किया जाता अपनी स्मॉल की टीम से, ठीक है। शेयर से यार दोस्तों बहुत सारे लोग ड्रॉप करके चलेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं, इवन स्मॉल लीग के लिए भी रिस्की स्मॉल लीग के लिए बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं, क्योंकि वानखेड़े इनका भी लोकल ग्राउंड हो जाता है एक तरीके से, है ना। और काफी अच्छी परफॉर्मेंस शेयर से यार कर सकते हैं, नेट प्रैक्टिस में बाउंसर के अगेंस्ट भी खेलते हुए देखे थे, क्योंकि इनको भी पता है इनकी कमजोरी है बाउंसर, है ना। तो बाउंसर्स को अच्छे से टेकल करना सीख रहे थे नेट प्रैक्टिस में, और ध्यान रखना बड़ी पारी खेल सकते हैं श्रेयस अय्यर, खास करके एक ऐसे मैदान पे जहां पर बैटिंग को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक बार वापस बोल रहा हूँ, ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं श्रेयस अय्यर, ठीक है, खास करके तब
जब इंडिया पहले बैटिंग करती है। अगर मान लो इंडिया पहले बॉलिंग करती है तो चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो श्रेयस अय्यर को, लेकिन पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है मैं भी अपनी टीम में उठाई लूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों केएल राहुल का नाम आ जाता है, इनको यार हो सकता है मैं अपनी टीम से ड्रॉप करके चलूँ, क्योंकि इनका है बैटिंग नंबर 5 और नंबर 5 पर आने के लिए 3 विकेट गिरना जरूरी है, और इंडिया का टॉप ऑर्डर जिस तरीके की फॉर्म में चल रहा है उस हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कि 3 विकेट गिर पाएंगे, है ना। केएल राहुल को दोस्तों अगर हम उठाने का देखें, सेफ खेलना देखें, तो देखो मैं आपको बता दूं, केएल राहुल को मैं अपनी टीम में उठाऊंगा जब इंडिया पहले बैटिंग करेगी। अगर इंडिया पहले बॉलिंग करेगी तो अपनी टीम में उठाने का चांस ही नहीं है, केएल राहुल को नहीं उठाऊंगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इनका जो रिकॉर्ड है दोस्तों वो अच्छा है इस सीजन में, इसको दिक्कत नहीं है, 97 नॉट आउट, 19 नॉट आउट, 34 नॉट आउट, पिछले दो मैच से अपना विकेट दे रहे हैं, लेकिन रन तो फिर भी बना रहे हैं, 27 और 39 रनों की पारी आई है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सूर्या की अगर मैं बात करूं तो अपनी डेफिनेटली टीम में ट्राई नहीं करेंगे आप दोस्तों, इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि मान लो इंडिया पहले बैटिंग कर रही है ना, और लास्ट में मान लो कि 5-6 ओवर भी बचे हैं और सूर्या की बैटिंग आ गई, तो 5-6 ओवर में ये बंदा ओडीआई को टी10 बना देगा, श्रीलंका के खिलाफ तो बना ही देगा, है ना। तो वही बात है, इसलिए अगर आप इनको ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग में तो नहीं करेंगे, सीधी सी बात है। उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा आ जाते हैं आप लोगों के लिए, दोस्तों एक सेफ चॉइस आ जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इनकी बैटिंग ऑर्डर तो बहुत ज्यादा डाउन होने ही वाली है, तो बैटिंग आने के चांसेस तो है नहीं, तो बैटिंग से तो उम्मीद में रखना ही मत, ठीक है। ऊपर से दोस्तों वांखड़े का मैदान रह गया, हालांकि दोस्तों अपने पूरे 10 ओवर ये करवाएंगे, लेकिन वांखड़े स्टेडियम रह गया तो यहाँ पर स्पिनर को सपोर्ट नहीं रहेगा, और स्पिनर में भी फिंगर स्पिनर को सपोर्ट नहीं रहेगा, रिस्ट स्पिनर को फिर थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, तो कुलदीप यादव आपकी टीम के लिए फिर भी अच्छे पिक हैं, लेकिन फिंगर स्पिनर्स को उतना अच्छा सपोर्ट फिर भी नहीं मिलेगा। इसलिए दोस्तों अगर मैं आपको बोलूं कि रिस्क लेके अगर आप रविंद्र जडेजा को अपनी टीम से ड्रॉप करना चाहो तो ड्रॉप कर भी सकते हो, ठीक है। पिछले दो मैच में भी आप देखोगे तो एक ही विकेट आया, पिछले मैच में भी एक ही आया था, उससे पहले विकेट नहीं आया था, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मोहम्मद शमी ज्यादा बात ही नहीं करेंगे, दो मैच में 9 विकेट ले चुके हैं, अपनी टीम में रखेंगे ही रखेंगे, नहीं तो पाप लगेगा, ठीक है। उसके बाद कुलदीप यादव मैंने आपको बताया रिस्ट स्पिनर है, इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट वांखड़े स्टेडियम में देखने को मिल सकता है, हर एक मैच में बंदे ने विकेट लिया है और आपकी टीम के लिए एक डिसेंट इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं। सेम चीज है दोस्तों जसप्रीत बुमराह के बारे में, बिल्कुल भी ड्रॉप करने का चांस नहीं है, हर एक मैच में विकेट निकाला और अच्छे विकेट निकाले, है ना। अगर आप देखोगे इनके पिछले 6 मैच तो कितने विकेट निकाल चुके हैं, 10 और 4, 14 विकेट ऑलरेडी अपनी टीम के नाम कर चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मोहम्मद सिराज की अगर मैं बात करूँ तो इनको ड्रॉप करके आप सेफ खेलना चाहो खेल सकते हो, लेकिन दोस्तों एक चीज जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूंगा वो है एशिया कप का फाइनल, है ना, जो अभी ज्यादा टाइम हुआ नहीं उसको गए हुए, 1.5 महीना हुआ है, उसमें सिराज ने श्रीलंका को अकेले जो है अपाहिज कर दिया था, 6 विकेट उस मैच में लिए थे, काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये एज ए मोटिवेशन भी सर्व करेगा, है ना, बॉलर के माइंडसेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। मोहम्मद सिराज को भी याद रहेगा यार अभी 1-1.5 महीने पहले ही मैंने श्रीलंका के पैर तोड़ दिए थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, तो उस हिसाब से अच्छी बॉलिंग करवा सकते हैं, और श्रीलंका के बैट्समैन उतनी कोई खास फॉर्म में भी नहीं है कि सिराज से आउट नहीं हो, ठीक है। 1-2 विकेट तो मैं इनसे मान के चल रहा हूँ, तो आप सेफ खेलना तो अपनी टीम में रख सकते हो, बाकी ज़्यादा भी निकाल सकते हैं मोहम्मद सिराज, ध्यान रखना थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, ये बात को वर्ल्ड कप जब स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलिया वाला मैच हुआ था उसमें देख के मैंने आपको बता दी थी कि यार मोहम्मद सिराज की लाइन और लेंथ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म में ऐसा कह सकता हूँ कि स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अगर वापस फॉर्म में आने के लिए कोई मैच है तो फिर ये श्रीलंका वाला मैच है, मोहम्मद सिराज इस मैच का यूज करके वापस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। वो तो बात हो गई है दोस्तों, देखो यार इंडिया की, अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की, तो श्रीलंका की, श्रीलंका की टीम की तरफ से भी दोस्तों जो अपने पास टीम न्यूज है वो मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात तो दोस्तों इनके जो एक पेसर हैं लाहिरु कुमारा, जो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे, इंग्लैंड और श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे, प्लेयर ऑफ द मैच भी थे लाहिरु कुमारा, वो जो है इंजरी के कारण प्रैक्टिस में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, उसके कारण वर्ल्ड कप से रूल आउट हो चुके हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों दुनित वेलालागे की अगर मैं बात करूँ तो ये जो है पिछले कुछ मैच से नहीं खेल रहे, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों दुनित वेलालागे ने एशिया कप में जो है इंडिया के अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, है ना, शायद एक मैच में 4-5 विकेट भी इन्होंने निकाले थे इंडिया के अगेंस्ट ही, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अगर वेलालागे को इस मैच में खिलाना चाहे तो खिला सकते हैं। रिप्लेस किसको करेंगे फिर, धनंजय डी सिल्वा को, जो कि नहीं तो बैटिंग से नहीं बॉलिंग से अच्छी परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं इस टाइम पर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ के बहुत अच्छी खासी चांस है, वेलालागे जो है धनंजय डी सिल्वा को प्लेइंग 11 में रिप्लेस करते हुए दिख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो देखो यार एक इनके एक्सपीरियंस बॉलर हैं एंजेलो मैथ्यूज, जो कि अभी रिप्लेस करके आए हैं और स्क्वाड का नया नया हिस्सा है, ठीक है। अब यार चूंकि एक्सपीरियंस है, पुराने खिलाड़ी हैं, बहुत पुराने खिलाड़ी हैं एंजेलो मैथ्यूज, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों इंडिया के गेस्ट पुराने टाइम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अगर आपको रिस्क लेना हो तो इनको आप अपनी टीम में उठा सकते हो, आपको ऑलराउंडर सेक्शन में देखने को मिल जाएंगे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने दोस्तों बॉलिंग में आपको खुद देखो यहाँ पर एक रिकॉर्ड मैंने लिखा हुआ है कि एंजेलो मैथ्यूज ने रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेट में 7 बार डिसमिस किया है, है ना, तो रोहित शर्मा को खतरा रह सकता है, ध्यान रखना एंजेलो मैथ्यूज से, ठीक है। और ओडीआई में वर्ल्ड वांखड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा का उतना बड़ा स्कोर भी मैंने आपको बताया नहीं है, तो मैं आपको एक चीज़ जरूर बोलूंगा
कि ग्रैंड लीग की टीम आप 20 बनाओ, एक दो टीम में रोहित शर्मा को ड्रॉप करके चल देना, है ना। ये ग्रैंड लीग की टीम है, स्मॉल लीग टीम में बिल्कुल भी ये काम आपको नहीं करना है, लेकिन ग्रैंड लीग में एक आधी टीम में रोहित शर्मा को ड्रॉप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों इनका जो है बैटिंग का भी अच्छा रिकॉर्ड है, इंडिया के अगेंस्ट 54 का बैटिंग एवरेज होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोगों के लिए ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो जाते हैं एंजेल मैथ्यूज। उसके अलावा दोस्तों और कोई रिपोर्ट अपने पास है नहीं, और वही बात यार देखो जब तक टॉस नहीं हो जाता तब तक नई नई अपडेट आती रहेगी, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी तो आपके साथ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। ये रही दोस्तों श्रीलंका की पूरी स्क्वाड जो इस वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई थी, और ये रही दोस्तों इनकी पॉसिबल प्लेइंग 11, ठीक है। इसमें चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं दोस्तों वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ से तो मेरे को कोई चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर आपको दोस्तों दुनित वेला लागे जो है इनको रिप्लेस करते हुए नजर आ सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों नीचे से भी मेरे को ऐसे तो कोई मेजर चेंज तो होते हुए नजर आ नहीं रहा, ठीक है। बाकी इनके पास ज्यादा प्लेयर भी नहीं है ना यार चेंज करने के लिए, कोई क्वालिटी प्लेयर है नहीं इनके पास, ठीक है। तो ये है दोस्तों इनके पॉसिबल प्लेइंग 11, और अब हम बात करते हैं इन्हीं 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। लेकिन उससे पहले देखो यार आपने हमारा इतना वीडियो देख लिया, मतलब डेफिनेटली यार आपको वीडियो पसंद आ रहा है, और पसंद आ रहा हो तो यार पीछे मत रहो, आपके छोटे भाई का वीडियो है, फटाफट से इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। इस वीडियो पर दोस्तों लाइक टारगेट कितना है वो तो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, पूरे 5000 लाइक का लाइक टारगेट है भाई, वो आपको कंप्लीट करना ही है, तो कर ही देना, नीचे लाइक का बटन आ रहा है दबाई देना अगर अभी तक नहीं दबाया हो। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो यार इन 11 खिलाड़ियों के सारे रिकॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों अपने पास नाम आ जाते हैं पुथुम निशांका का, जो कि एक तरीके से ऐसा कह सकता हूं कि श्रीलंका की टॉप ऑर्डर की तरफ से अगर आपको किसी को बैट्समैन को उठाना हो तो फिर पुथुम निशांका हो जाते हैं, क्योंकि इनका रिकॉर्ड तो आप खुद भी देख सकते हो इस वर्ल्ड कप के सीजन में दोस्तों। पहले मैच में ये भी बंदा फ्लॉप हुआ, उसके बाद 4 रेगुलर 50 आई इनकी, और पिछले मैच में भी 46 रनों की अच्छी पारी आई थी, तो काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं पुथुम निशांका, खेल सकते हैं, थोड़े बहुत रन बना के आपको पॉइंट दे सकते हैं। लेकिन मेरे को पता है दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यह है कि यार इंडिया की जो पावर प्ले की बोलेंगे ना, जसप्रीत बुमराह है ना, मोहम्मद सिराज, इवन मोहम्मद शमी, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, तो ये टिकने नहीं देंगे, है ना। तो अगर आपको सेफ खेलना हो अपनी टीम में, डेफिनेटली आप निशांका को उठा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिमुत करुणारत्ने दोस्तों पिछले मैच में आए थे, कुशल पेरेरा को रिप्लेस किया था, कोई खास परफॉर्मेंस आई नहीं है। उसके अलावा कुशल मेंडिस दोस्तों स्टार्टिंग के एक दो मैच इनके अच्छे गए थे, उसके बाद दोस्तों इस वर्ल्ड कप के सीजन में एक भी अच्छा मैच इनका नहीं गया, क्योंकि कैप्टनसी का प्रेशर आ गया ना यार। पहले तो दसुन सनाघा थे कैप्टन, लेकिन वो इंजर्ड हो गए, फिर वो रूल आउट हो गए, तो फिर इनके ऊपर कैप्टनसी का प्रेशर आया, और उस प्रेशर में उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ये कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों सदिरा समारा विक्रमा की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 पे ये बंदा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, ये बात कह सकता हूं। सिर्फ एक मैच में अच्छे पॉइंट इन्होंने नहीं दिया, बाकी एक शतक आ चुका है, ये 250 आ चुकी है, पिछले मैच में भी 36 रनों की अच्छी पारी आई थी। तो डाउन दी ऑर्डर से अगर आपको कोई बैट्समैन चाहिए तो फिर वो सदिरा समारा विक्रमा आप लोगों के लिए होने वाले हैं श्रीलंका की टीम की तरफ से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों चरित असलांका का नाम आ जाता है अपने पास, ये बंदा भी कोई उतनी खास परफॉर्मेंस कर नहीं पा रहा है, स्टार्ट इनको मिल दिया लेकिन बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। आप देखो इस मैच में बड़ी पारी में कन्वर्ट कर दिया, इसके बाद इसमें फ्लॉप हो गया, उसके बाद इसमें भी स्टार्ट मिली, इसमें भी स्टार्ट मिली, बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया, इसमें एवरेज परफॉर्मेंस ऐसा कह सकता हूं कि आई थी, ठीक है। अब दोस्तों चूंकि बैटिंग फ्रेंडली सरफेस है तो अगर आप इनको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में ट्राई करना चाहो कर सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में तो रखूंगा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद धनंजय डी सिल्वा दोस्तों बैटिंग और बॉलिंग दोनों पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन नहीं दे रहे। अगर आप देखोगे तो इनको हर एक मैच में बॉलिंग दी गई है, बॉलिंग दी गई है, बॉलिंग दी गई है, बॉलिंग दी गई है, विकेट नहीं लिया, विकेट नहीं लिया, विकेट नहीं लिया, 6 में से किसी भी मैच में इनका विकेट नहीं आया, तो बॉलिंग से तो वैसे भी उम्मीद नहीं है, और बैटिंग से भी कहां उम्मीद है यार। इस मैच में 30 रनों की पारी आई थी, इसमें 25 की आई थी, बाकी 11, 7, 14 है ना, बैटिंग से भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि भाई दुनित वेला लगे अगर इनको रिप्लेस करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी अगर नहीं भी करते हैं तो अपनी टीम में तो मैं नहीं रखूंगा, ठीक है। उसके अलावा एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों इनके बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिस्की पिक हो जाते हैं आपकी टीम के लिए, एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है वनडे में, अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, पिछले 2 मैच से दोस्तों इनको खेलने का मौका भी मिल रहा है, एक मैच में 2 विकेट लिए थे, बॉलिंग के साथ अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और पिछले मैच में 23 रनों की पारी खेली थी, डिसेंट परफॉर्मेंस थी, ठीक है। तो ध्यान रखना बैटिंग और बॉलिंग दोनों से आपको परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं एंजेलो मैथ्यूज। उसके अलावा चमीरा की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो पिछले मैच में आए थे, लाहिरु कुमारा को इन्होंने रिप्लेस किया था, लेकिन पिछले मैच में एक भी विकेट नहीं मिल पाया था। उसके बाद दोस्तों तीक्ष्णा की अगर मैं बात करूं तो इस वर्ल्ड कप के सीजन में ये भी उतने अच्छे से क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इनके अगर आप 5 मैच देखोगे तो 2 मैच इनके विकेटलेस भी गए हैं, एक बार के लिए अपनी स्मॉल लीग टीम में कंसीडर नहीं करेंगे। कसुन रजिता की अगर दोस्तों मैं बात करूं तो इस वर्ल्ड कप के सीजन में अच्छी परफॉर्मेंस किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कितने 4 मैच इन्होंने जो खेले हैं उनमें 4, 2, 6 और 2 8 विकेट इन्होंने लिए हैं ना, तो मतलब डिसेंट परफॉर्मेंस आ सकती है। इंडिया के अगेंस्ट भी दोस्तों आई थिंक डिसेंट ही रिकॉर्ड है इनका बॉलिंग में, वो हम आगे और देख लेंगे। लेकिन फिर भी यार अगर कोई फास्ट बॉलर अपनी टीम में मैं रखी रहूँ तो इंडिया के फास्ट बॉलर्स को रखूंगा, क्योंकि यार उनके विकेट निकालने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। इनकी तरफ से अगर दोस्तों किसी फास्ट बॉलर को मैं रखना चाहूँ तो दिलशन मधुसंगा को रख सकता हूँ, जो कि लेफ्ट आर्म एंगल है इनके पास, लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है, और इस सीजन में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, 2 विकेट आए 2 विकेट आए 3 विकेट आए 4 विकेट आए 2 विकेट आए है ना। तो ध्यान रखना इनको हम अपनी जरूर टीम में कंसिडर कर सकते हैं, रजिता को तो मैं शायद नहीं करूँगा।
और बाकी दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, एक और ग्रैनली की टिप है, लेफ्ट आर्म एंगल इनके पास अवेलेबल है। लेफ्ट आर्म एंगल से कई बार जो है रोहित शर्मा फंसते हैं, शुभमन गिल भी फंस सकते हैं, है ना। शुभमन गिल उतनी कड़क फॉर्म में भी नहीं चल रही, रोहित शर्मा वांखड़े में उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, तो ये ग्रैनली की टिप्स है कि इनको उठा के आप उनमें से किसी एक आधे को ड्रॉप करना चाहो तो वो कर सकते हो। स्मॉल लीग में ये काम मत करना, क्योंकि रोहित शर्मा जब पहलने पे आएगा बहुत गंदा पहलेगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात हो जाती है दोस्तों श्रीलंका के सारे प्लेयर के सारे रिकॉर्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं दोस्तों टॉप परफॉर्मर्स के बारे में कि यार जब जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना होता है वनडे क्रिकेट में, तो कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं, कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। तो वो आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पर दोस्तों देखो, सबसे पहले अपने पास नाम आ जाता है शुभमन गिल का। श्रीलंका के अगेंस्ट भाई शुभमन गिल ने टोटल 5 मैच खेले वनडे के, जिनमें इन्होंने दोस्तों 253 रन बनाए और 63 का शानदार बैटिंग एवरेज ये होल्ड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे रिकॉर्ड देखने के बाद अपनी स्मॉल लीग टीम से हम शुभमन गिल को ड्रॉप नहीं कर सकते, ग्रैंड लीग टीम से कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू होने के बाद उतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ नहीं रही है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विराट कोहली श्रीलंका के अगेंस्ट 52 मैच खेले हैं, 2500 से ज्यादा रन है और 62 का बैटिंग एवरेज, ऐसे रिकॉर्ड देखने में ड्रॉप नहीं किया जा सकता, ठीक है। एंजेलो मैथ्यूज दोस्तों मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप लोगों के लिए रिस्की ग्रैंड लीग के अच्छे पिक हो जाते हैं। इंडिया के गेस्ट अच्छी परफॉर्मेंस है, 40 मैच इन्होंने खेले जिनमें लगभग 1400 रन भी है और 31 विकेट भी है, ठीक है। उसके अलावा रोहित शर्मा की दोस्तों अगर बात करूं तो श्रीलंका के अगेंस्ट 51 मैच में 1860 रन है, 46 का बैटिंग एवरेज। श्रेयस अय्यर भी दोस्तों श्रीलंका के अगेंस्ट 6 मैच में 256 रन बना चुके हैं, 42 का बैटिंग एवरेज, ठीक है। श्रेयस अय्यर भी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रैंड लीग के बहुत अच्छे पिक हो जाते हैं और इनके सिलेक्शन परसेंट भी कम रहेंगे, मैं हो सकता है अपनी स्मॉल लीग की टीम में भी इनको रख लूं, ठीक है। जसप्रीत बुमराह दोस्तों श्रीलंका के अगेंस्ट 12 मैच में 25 विकेट है, 4.23 की इकोनॉमी रेट, बहुत ही अच्छी इकोनॉमी रेट है, ठीक है। कुलदीप यादव दोस्तों श्रीलंका के अगेंस्ट 11 मैच में 18 विकेट है, मोहम्मद सिराज श्रीलंका के अगेंस्ट 5 मैच में 16 विकेट है, एंड लास्ट में कसुन रजिता का नाम आ जाता है इंडिया के अगेंस्ट 6 मैच में 8 विकेट है। कसुन रजिता को तो वैसे भी मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा, क्योंकि अगर मेरे को श्रीलंका को कोई फास्ट बॉलर रखना ही है तो फिर मैं दिलशन मधुसंगा के साथ जाऊंगा। बाकी दोस्तों ये जो पेस बैटरी है, ये जो स्पिन बैटरी है, ये आपको अपनी टीम में रखने हैं। मोहम्मद सिराज के ऊपर अगर आप देख लो ड्रॉप करना चाहो क्योंकि उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं चल रहे, तो वो आप काम कर सकते हो। बाकी हो सकता है मैं तो अपनी टीम में रखूंगा, क्योंकि मेरे को भरोसा है इंडियन टीम के ऊपर, वो तोड़ देगी कमर श्रीलंका की। और मैं चाहता हूं कि यार इंडियन टीम जो है इस मैच में पहले बैटिंग करें, क्योंकि यार खुल के बैटिंग कर पाएंगे फिर पूरे 50 ओवर कर पाएंगे। मैं चाहता हूं कि इंडिया टीम एक आधे मैच में तो कम से कम 350-400 का स्कोर टच करे, उनकी बैटिंग देखनी है मेरे को, ये मैं चाहता हूं, ठीक है। बाकी वो तो टॉस के बाद देखेंगे क्या होता है। बाकी दोस्तों वो हो गया टॉप परफॉर्मर्स की बात, अब हम बात करते हैं कुछ प्लेयर बैटल्स की। तो यार ज्यादा प्लेयर बैटल है नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना। कुछ एक दो हैं जो कि मैं आपको बता देता हूं। कुशल मेंडिस दोस्तों मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह दोनों के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। मोहम्मद सिराज को 28 बॉल में 3 बार अपना विकेट दिया, जसप्रीत बुमराह को 81 बॉल में 2 बार अपना विकेट दिया, ठीक है। अभी ये वैसे भी जनरली भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो कुशल मेंडिस जो है आई डोंट थिंक ज्यादा बड़ी इनिंग खेल पाएंगे। और चरित असलंका दोस्तों कुलदीप यादव को 68 बॉल में 2 बार अपना विकेट दे चुके हैं, तो चरित असलंका को जो है कुलदीप यादव थोड़ा सा परेशान करते हुए आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो कुछ ये बात थी, ये 2-3 प्लेयर बैटल थे। एक मैंने आपको बताई दिया था वो रोहित शर्मा को एंजेलो मैथ्यूज वाला, कि 7 बार विकेट ले चुके हैं रोहित शर्मा का, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है, रिसेंट बात नहीं है वो, ठीक है। अब दोस्तों देखो यार, अभी तक इस वीडियो में हम इसमें से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक दोस्तों हमने पिच रिकॉर्ड देख ली, वेन्यू रिकॉर्ड देख लिया, है ना। उसके अलावा दोस्तों हमने हेड टू हेड रिकॉर्ड देखे, रिसेंट परफॉर्मेंस देखी, टीम न्यूज देखी, प्लेइंग 11 देखी, प्लेइंग 11 के सारे रिकॉर्ड देखे, कौन से प्लेयर्स को ग्रैंड लीग में पिक करना है, कौन से को ड्रॉप करना है, वो सब देखे, टॉप परफॉर्मर्स देखे, प्लेयर बैटल्स देखे, है ना। तो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दोस्तों इस मैच के रिगार्डिंग हम ऑलरेडी इस वीडियो में देख चुके हैं, ठीक है। अब देखने के लिए सिर्फ दोस्तों एक चीज बाकी है, और वो है इस मैच की टीम। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार इस मैच की एक टीम मैं आपको इस वीडियो में ही बना के दिखाऊंगा, तो वही काम हम करने वाले हैं। मैं आ जाता हूं दोस्तों अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, मेरे मोबाइल की स्क्रीन भी दोस्तों आपको अपने साइड में दिख पा रही होगी। ये रहा दोस्तों इंडिया और श्रीलंका का मैच, जिसके मैं आपको फटाफट से एक टीम बना के दिखा देता हूं, है ना। लेकिन दोस्तों ये जो भी टीम मैं बनाने वाला हूं, मैं आपको एक बार वापस बता दूं, ये अपनी फाइनल टीम नहीं रहेगी, इसमें चेंजेस हो सकते हैं, इसमें अपडेट हो सकते हैं, और जो भी चेंजेस और अपडेट होंगे वो आपको टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल भी दोस्तों आपको साइड में दिख पा रहा होगा, फिलहाल में आप खुद देख सकते हो कि कितने लोग जुड़े हुए, ऊपर देखो 1,95,000 से भी ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, और रेगुलरली हमारी फाइनल टीम्स और अपडेट्स का एकदम फ्री में फायदा उठा के बहुत अच्छी विनिंग कर रहे हैं। ये देखो कल वाले मैच की विनिंग्स, है ना, और मेरी पर्सनल विनिंग, और बहुत अच्छी विनिंग हम यहाँ पर रेगुलरली मिलजुल के करते ही रहते हैं, ठीक है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों टेलीग्राम चैनल, तो एक बार वापस बोल रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी ज्वाइनिंग लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। और दूसरी बात, YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, सारी एनालिसिस अगर आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी, जैसे कि 6,00,000 लोगों के पास पहुंच रही है, वैसे आपकी भी विनिंग होती रहेगी, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो हम अपनी टीम की, तो यार देखो अपनी टीम में विकेट कीपर सेक्शन से कुशल मेंडिस है, केएल राहुल है, सदिरा समारा विक्रमा है, ठीक है। तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी दोस्तों टीम। अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है तो हो सकता है मैं केएल राहुल को अपनी टीम में रखूं, अगर पहले बॉलिंग करती है तो फिर केएल राहुल को अपनी टीम में नहीं रखूंगा, ठीक है। फिलहाल दोस्तों एक काम करते हैं, थोड़ा सा
अच्छी सी टीम बनाते हैं, है ना, थोड़ा सा रिस्क भी लेंगे, थोड़ा सा सेफ साइड भी जाएंगे। तो एक बार के लिए सदीरा समारा विक्रमा को मैं अपनी टीम में रख रहा हूँ यहाँ से, नहीं तो कुशल मेंडिस को रख रहा हूँ, नहीं केएल राहुल को रख रहा हूँ। दोनों पे थोड़ा थोड़ा रिस्क है लेकिन ड्रॉप कर दिया, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में आते हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये सेफ खेल लिया, या लो तीनों टॉप ऑर्डर के अपने बैट्समैन को रख लिया, ये सेफ हो गया। अब दोस्तों पथुम निशांका आ जाते हैं, जो कि पिछले 4-5 मैच से अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको आप अपनी टीम में रखना चाहो, सेफ खेलने के लिए रख सकते हो। अब दोस्तों देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं यहीं पे, अगर इंडियन टीम पहले बैटिंग करेगी तो फिर मैं अपनी टीम में श्रेयस अय्यर रखूंगा, ये लो यहाँ से श्रेयस अय्यर मैं रखूंगा, पथुम निशांका फिर को नहीं रखूंगा। अगर इंडियन टीम पहले बॉलिंग करेगी तो फिर मैं श्रेयस अय्यर की जगह पथुम निशांका उठाऊंगा, इतना सा जो है चेंज करूंगा मैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात कराऊँ तो यहाँ पर जैसे मान लो पथुम निशांका ही उठा लिया, थोड़ा सा रिस्क लिया ही है तो पहले थोड़ा सा सेफ भी खेल लेते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों दो ही चॉइस ले देखें, या तो रविंद्र जडेजा या एंजेलो मैथ्यूज, सिंपल सा फॉर्मूला है, सेफ खेलना हो रविंद्र जडेजा, रिस्क लेना हो एंजेलो मैथ्यूज, इतना सा काम है, ठीक है। अब वो आप डिसाइड करना कि आपको सेफ खेलना है या फिर आपको रिस्क लेना है, इन दोनों के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, ठीक है। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, कुलदीप यादव ड्रॉप करने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। इवन दोस्तों मैं तो सोच रहा हूँ मोहम्मद सिराज को भी अपनी टीम में मैं रखूंगा ही रखूंगा। फिर दोस्तों श्रीलंका का अगर कोई बॉलर रखना हो तो देखो महेश दीक्षणा नहीं रखूंगा, कसुन रजिता नहीं रखूंगा, रखना ही है तो मैं दुलशान मधुशंका को रख सकता हूँ, इसके अलावा और किसी को भी अपनी टीम में ट्राई नहीं करूंगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मेरी ध्यान से यहाँ पर नोटिस करना, थोड़ा 7-4 कॉम्बिनेशन अगर आपको बनाना हो, ओल्ड फॉर्मेट वाली टीम अगर आपको बनानी हो और थोड़ा सा ऐसे मतलब सेफ और रिस्की वाला कॉम्बिनेशन चाहिए तो आपको दिलशान मधुशंका यहाँ से उठा लेना है, ऑलराउंडर सेक्शन में आके एंजेलो मैथ्यूज उठा लेना है, ये 7-4 का आपका कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा रिस्क भी है, थोड़ा सा सेफ साइड भी है, 7-4 का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको न्यू फॉर्मेट के हिसाब से बनानी है और थोड़ा सा और ज़्यादा सेफ जाना है, देन एंजेलो मैथ्यूज को आप ड्रॉप करके रविंद्र जडेजा उठा सकते हो। यहाँ से अगर आपको दिलशान मधुशंका को ड्रॉप करना है तो फिर आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन उठा सकते हो, लाइक कुशल मेंडिस वगैरह या फिर केएल राहुल वगैरह, जो भी आपकी चॉइस है ना। लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों एक काम करते हैं, ये वाली जो टीम है आपकी स्क्रीन के सामने, रविंद्र जडेजा भी पूरे 10 ओवर करवाएंगे, चूंकि क्या पता एक आधा विकेट निकाल ही लें, तो ये वाली जो टीम है ना वो आपकी स्क्रीन के सामने वो मैं अपने इस वीडियो के लिए फाइनल कर रहा हूँ। इसमें जो भी चेंजेस होंगे, जो भी अपडेट होंगे, वो मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। बाकी बात करते हैं दोस्तों देखो कैप्टन और वाइस कैप्टन के यार प्लेयर में, लेकिन उससे पहले देखो यार अपना जो वीडियो है वो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है, तो आप में से जिस भाई ने यार अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया वो जाते जाते यार वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, 5000 लाइक कंप्लीट करने आपको, ठीक है। बाकी दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ, रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल, ये तीनों अच्छी चॉइस हैं। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों जसप्रीत बुमराह, ये अच्छी चॉइस है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज हो जाते हैं इस मैच के लिए। बाकी यार कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेज में भी कोई चेंजेस होंगे, कोई अपडेट होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ टॉस के बाद अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर ही दूंगा, उसकी भी चिंता मत करो। और तो बस ठीक है यार, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, एक्चुअली उससे पहले हम टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, बहुत मजे करेंगे आज वाले मैच में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आपसे मिलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है।